निगम चुनाव का चुनाव प्रचार जोर शोर से है। आज हमारी टीम जगतमान यूट्यूब चैनल की टीम पहुंची है वार्ड नंबर 12 में। यहां पर हमारे साथ पूर्व सरपंच ब्रजपाल उर्फ बिट्टू मलिक जी हैं। आइए आज उनसे जानते हैं कि वार्ड में किस प्रकार की समस्याएं हैं और क्या वो अगर चुने जाते हैं तो करवाना चाहेंगे। ब्रजपाल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप किस प्रकार की समस्याएँ अपने वार्ड में देखते हैं जो करवाना चाहेंगे? जो मूलभूत सुविधाएँ हमारे वार्ड में, उसके लिए हमारा ज़्यादा प्रयास रहेगा। जैसे सबसे खतरा है सफाई, मच्छर गंदगी जो फैली हुई है उसके लिए, और यहाँ गरीब व्यक्ति हैं जो राशन वितरण में जो गड़बड़ घोटाला है, राशन कार्ड नहीं है, पेंशन नहीं है, उनके लिए जो पात्र है पेंशन के, उनके लिए हम अफसरों से बात करके इनका पूरा करवाएंगे। कुछ गली नाली हैं, लाइटें हैं, निकासी नहीं है पानी की, उसके लिए करेंगे। एक सबसे बड़ी बात हम आपको बताते हैं, सबसे जो पहला काम है वार्ड बंदी में जिस अधिकारी ने एक गड़बड़ की है, मेरी माँ की उम्र 90 साल है, उसकी उम्र जानबूझ करके वोट 11 वार्ड में पहुँचाई शरारत करके, तो मेरी माँ की वोट ना किसी अधिकारी ने पूछा ना था। लोकतंत्र कह रहे हैं, बहुत बड़ा लोकतंत्र भारत में, लोकतंत्र का मतलब वोट से चुना जाता है। मेरे को ये नहीं पता मेरी वोट कहाँ है, पब्लिक को वो क्या वोट करेगा जी? ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस चुनाव चिन्ह पे नहीं लड़ रही है, लेकिन क्या आपको फायदा मिलेगा? हाँ, फायदा तो मिलेगा कांग्रेस की तरफ से। लोगों का जो सत्ता में पार्टी है, उन्होंने झूठ बोला लोगों से, सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का प्रयास किया जी। उसको हमें फायदा मिला, जो बुद्धिजीवी लोग जो समझ चुके भाई राजनीति होती थी पहले गली नाली बिजली पानी रोजगार इनकी होती थी, अब होती है धर्म की, गाय की, मंदिर की, मस्जिद की, इनसे थोड़ी पेट भरता है, रोजगार चाहिए लोगों को। चलिए, गली नालियों से अगर आगे बढ़ के हम बात करें महिला सुरक्षा की, करें बुजुर्गों की बात, या फिर करें युवाओं की बात, तो आपके वार्ड में आप इनके लिए क्या कर सकते हैं? जो बुजुर्ग हैं उनके हम, जो उनके परिवार हैं उनके, तो बुजुर्ग को तो पेंशन मिल जाए तो उससे बड़ा मान सम्मान मिलता है। और जो लड़कियों की बात है, तो पानीपत में बहुत हादसे मारी, बलजीत नगर में एक 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था, पकड़ा गया, लेकिन ये थोड़ी सी समाज में भी जागरूकता चाहिए। क्या आप सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगा के सुरक्षा को चार चौबंद करने का काम करेंगे? बिल्कुल लगाएंगे। ये कैमरे तो वैसे भी सामाजिक स्तर पे जो हमारी एसोसिएशन है, आसपास के लोगों ने अपने भी लगाए हुए हैं, फैक्ट्री वालों ने भी, जो संपन्न परिवार हैं, दुकानदार हैं, कुछ लोगों ने लगवाए हैं। बाकी सरकार के पॉलिसी के तहत हम भी चौक चौराहे पे स्कूल लोगों के सामने लगवाएंगे। सबसे प्राथमिकता होगी हमारी बच्चियाँ। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो यहाँ कोई नज़दीक कोई सुविधा आपके है? ये मेरे गांव बराखेड़ी पड़ता है जी, नज़दीक जी, मैं 12 वार्ड में रहता हूँ, ये हमारी ज़मीन है, यही हमारा मकान है जी। तो बराखेड़ी गाँव में और एक शहर हमारे गाँव में PHC है जी। कुछ लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर दवाई डॉक्टर ये नहीं है, बड़े सरकारी स्कूल में भी नहीं है जी। पहला तो चिकित्सा, शिक्षा, ये जरूरी है जी। आप कोई बड़ा नेता कांग्रेस का आपके समर्थन में किसी समारोह में आने वाला है क्या? हमारे तो नेता, स्थानीय नेता जो हमारे ग्रामीण के हैं, शहर के, वीरेंद्र शाह जी हैं, और जितने भी नेता हैं वो हमारे आए हुए हैं। ये चुनाव, मैं, मेरी पर्सनल राय है, चुनाव सामाजिक और भाईचारे का है, क्योंकि वार्ड का चुनाव है, इसमें तो जान पहचान भाईचारा, अच्छे आदमी को चुनना चाहिए कोई भी हो चाहे। सामाजिक और भाईचारे का कैसा समर्थन आपको मिला? सामाजिक भाईचारा ही इकट्ठा होकर के हमारे पास आया था, उन्होंने कहा जी आप चुनाव लड़ो, तो उन्होंने मेरे को कहा, तो फिर मैंने चुनाव लड़ने का किया। चलिए, अगर चुने जाते हैं तो सबसे पहले कौन सा काम करवाएंगे? सबसे पहले तो जो हमारा ये, अब जो वार्ड तोड़ दिया उन्होंने, मतलब खिंडा दिया, वोट कहीं और है, घर यहीं है, और दूसरे वार्डों के घर वहीं हैं, वोट यहाँ है। कल ना जो तस्दीक होती है, कोई सर्टिफिकेट बनाना बच्चों ने नौकरी का, पुलिस वर्गेशन, वो कहाँ कहाँ जाएंगे? इसके पैस मैन ये है, इसके अधिकारी को जरूर हम सजा दिलवाएंगे बाई कोर्ट, उसके खिलाफ इंक्वायरी कराएंगे। जब पता ही नहीं मेरे को मेरी वोट कहाँ है, तो किस चीज़ का लोकतंत्र कह रहे हैं? लोकतंत्र तो है नहीं, तो धक्काशाही हो रही है जी जी। यानी कि प्रशासन की अनदेखी आप अपने वार्ड में देख रहे हैं, ये बहुत बुरा हुआ। आप वार्ड की जो बंद, ये वार्ड बंदी जो हुई है उससे नाखुश हैं, ऐसा कहना है? सभी लोग आए हैं बेचारे, रो रहे हैं बुजुर्ग, उनको ये नहीं पता मेरी वोट कहाँ है, तो क्या करेगा वो जी। कोई अपील हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता में? अपील ये कहना चाहता हूँ भाई, चुनाव के लिए वोट के लिए आपस में झगड़ा तनाव ना करें,
वोट दो दिन बाद ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद भाईचारा ही है, भाईचारा पहले वोट बाद में। अगर किसी भाई को मेरे वोट देने से घर में या भाईचारा तनाव होता, झगड़ा होता, तो मैं उस वोट को लेना पसंद भी नहीं करूँगा जी। मैं भाईचारा पहले, वोट बाद में। तो दर्शकों, ये थे ब्रजपाल उर्फ बिट्टू मलिक जी, पूर्व सरपंच रहे हैं, अपने वार्ड की सभी समस्याओं को दूर करने की बात करते हैं, वार्ड बंदी से निराश हैं, प्रशासन के खिलाफ कोर्ट में जाने की बात करते हैं। देखने वाली बात ये रहेगी कि आने वाली 16 तारीख को ये कितना इन चीज़ों को वोट में परिवर्तित कर पाते हैं। कैमरामैन राहुल सैनी के साथ तेजवीर सिंह, वार्ड नंबर 12। जिंदाबाद मिंटो मलिक, जिंदाबाद। हमारी मोहरे कहाँ लगेंगी? सूरज पे, सूरज पे। हमारी मोहरे कहाँ लगेंगी? उगते हुए सूरज पे।